सरफराज खान का जीवन परिचय, उम्र, पत्नी, रिकॉर्ड, नेटवर्थ, फैमिली और कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। सरफराज खान का जीवन परिचय, सरफराज खान बायोग्राफी इन हिंदी। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान एक दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज और लेग ब्रेक गेंदबाज है। वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। 2014 और 2016 में उन्होंने ICC Under-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह घरेलू क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सरफराज ने 15 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। सरफराज खान का जन्म और फैमिली। सरफराज खान बर्थ एंड फैमिली। क्रिकेटर सरफराज खान का जन्म 27 अक्टूबर 1997 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। सरफराज के पिता नौशाद खान भी एक क्रिकेटर थे। वह मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं। सरफराज की मां तबस्सुम खान एक गृहिणी हैं। सरफराज के दो भाई मुशीर खान और मोइन खान भी एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। मुशीर मुंबई के अंडर-16 टीम के कप्तान रह चुके हैं। 6 अगस्त 2023 को सरफराज खान ने कश्मीर की रोमाना जहूर से निकाह किया। सरफराज खान की शिक्षा। सरफराज खान एजुकेशन। सरफराज खान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से प्राप्त की है। वह क्रिकेट खेलने के कारण 4 साल तक स्कूल नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने प्राइवेट शिक्षकों से गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई की। उन्होंने रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की है। वह पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट पर ध्यान दिया करते थे, इसलिए वह अधिक पढ़ाई नहीं कर सके। सरफराज खान का प्रारंभिक जीवन। सरफराज खान अर्ली लाइफ। मुंबई के रहने वाले सरफराज खान का बचपन क्रिकेट से जुड़ा रहा। उनके पिता नौशाद खान भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वह भारत के लिए कभी नहीं खेल पाए। इसलिए सरफराज चाहते थे कि वह भारतीय क्रिकेट टीम में खेलकर अपने पिता का सपना पूरा करे। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन आजाद मैदान में बिताया, जहां उनके पिता नौशाद खान उन्हें ट्रेनिंग देते थे। उनकी कोचिंग बेहद कम उम्र में ही शुरू हो गई थी, जब उनके पिता को उनकी प्रतिभा का पता चला। सरफराज के पिता ने घर के बगल में एक सिंथेटिक पिच भी बनाई थी, जिस पर सरफराज रोजाना प्रैक्टिस करते थे। सरफराज ने अपने पिता के मार्गदर्शन में क्रिकेट सीखा और अच्छी तरह से बल्लेबाजी करने लगे। सरफराज खान ने हैरिस शील्ड मैच में 421 गेंदों पर 439 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे वह सुर्खियों में आ गए। उन्होंने इस पारी में 56 चौके और 12 छक्के लगाए। वह अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड के लिए खेल रहे थे। 2009 में यह उनका पहला हैरिस शील्ड मैच था और तब वह सिर्फ 12 साल के थे। इसके बाद उन्होंने जल्द ही मुंबई अंडर-19 टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया और उनके प्रदर्शन के कारण उन्हें भारतीय अंडर-19 टीम के लिए चुना गया। सरफराज खान का घरेलू क्रिकेट करियर। सरफराज खान डोमेस्टिक करियर। 2014 में सरफराज खान ने सौराष्ट्र के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्टे में पदार्पण किया। उन्होंने 15 गेंदों में 17 रन की पारी खेली, जिससे उनकी टीम को करीबी मैच में जीत मिली। इसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने 2014 रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला। हालांकि वह प्रभावित करने में असफल रहे और सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए। सरफराज ने बाद में अपने पिता के कहने पर 2015-16 रणजी ट्रॉफी सीजन में उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम में शामिल होने का फैसला किया। 3 सत्रों के दौरान मध्यक्रम के बल्लेबाज ने यूपी के लिए केवल 8 रणजी मैच खेले, इसलिए यह उनके लिए कुछ खास नहीं था। सितंबर 2019 तक
उन्होंने केवल 11 प्रथम श्रेणी मैच खेले और 155 के उच्चतम स्कोर के साथ 535 रन बनाए। उनके 12 लिस्ट ए मैचों में 96.25 की स्ट्राइक रेट से 257 रन भी बनाए गए। 2020 सीजन की शुरुआत में मुंबई लौटने के बाद सरफराज ने एक साल की जरूरी छुट्टी पूरी की। यूपी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला शतक जमाया। सरफराज ने जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ 2019 से 20 रणजी ट्रॉफी मैच में अपना पहला तिहरा शतक जड़ा। वहीं 2021 से 22 रणजी सीजन में सरफराज खान ने 6 मैचों में 122.75 की औसत और 69.54 के स्ट्राइक रेट से कुल 982 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में 4 शतक और 2 अर्धशतक जड़े। इस दौरान उन्होंने 93 चौके और 16 छक्के लगाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 275 था। सरफराज ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला है। अंडर 19 करियर। सरफराज खान ने अच्छे घरेलू प्रदर्शन के कारण 2014 में अंडर 19 विश्व कप टीम में जगह बनाई, जहां भारत 5वें स्थान पर रहा। उनका स्ट्राइक रेट 105.5 का रहा और 6 मैचों में 70.33 की औसत से 2 अर्धशतक लगाए। सरफराज ने 2016 अंडर 19 विश्व कप में भी खेला था। सरफराज टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। 6 पारियों में उन्होंने 50 से अधिक के 5 स्कोर के साथ 71 की औसत से 355 रन बनाए। उनके पास अंडर 19 स्तर पर विश्व कप में सबसे अधिक अर्धशतक 2 विश्व कप में 7 का रिकॉर्ड है। सरफराज खान का आईपीएल करियर। सरफराज खान आईपीएल करियर 2014 अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने 2015 आईपीएल नीलामी में सरफराज खान को 50 लाख रुपए में खरीदा था और वह 17 साल की उम्र में आईपीएल में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। सरफराज ने 22 अप्रैल 2015 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आईपीएल में अपना पहला मैच खेला। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 7 गेंद पर 11 रन बनाए। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 21 गेंदों पर 45 रनों की नाबाद पारी खेलकर नाम कमाया। उन्होंने इस पारी में 6 चौके और 1 छक्का जड़ा था। सरफराज को पारी खेलने के बाद ड्रेसिंग रूम में वापस जाते समय आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने झुककर अभिवादन किया था। यह एक अविस्मरणीय पल था। 2015 आईपीएल में उन्होंने 13 मैच खेले और 156.33 की स्ट्राइक रेट से 111 रन बनाए, लेकिन 2016 आईपीएल में उन्हें बहुत कम खेलने का मौका मिला और फिटनेस की कमी के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। 2016 सीजन में उन्होंने सिर्फ 5 मैच खेले और 212.90 की स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाए। वहीं 2017 आईपीएल सीजन में प्रशिक्षण के दौरान उनके पैर में चोट लग गई, जिसके कारण वे पूरे सीजन से बाहर हो गए। 2018 सीजन के लिए आरसीबी ने सरफराज को बरकरार रखा, लेकिन सरफराज ने 6 पारियों में 124.39 की स्ट्राइक रेट से केवल 51 रन बनाए। 2019 में आरसीबी ने सरफराज को रिलीज कर दिया, जिसके बाद किंग्स 11 पंजाब ने उन्हें 25 लाख रुपए में खरीद लिया। 2019 आईपीएल सीजन में उन्होंने 8 मैचों में 45 की औसत से 180 रन बनाए। पंजाब ने 2020 आईपीएल के लिए सरफराज को रिटेन किया। 2020 सीजन में उन्होंने 5 मैच खेले और औसत 16.50 से 33 रन बनाए। फिर 2022 आईपीएल मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने सरफराज को 20 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा।
2022 सीजन में उन्होंने दिल्ली के लिए 6 मैच खेले और 30.33 की औसत से 91 रन बनाए। ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में सरफराज ने 2023 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में खेला। हालांकि यह सीजन उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और 4 मैचों में 13.25 की औसत से 53 रन बनाए। सरफराज खान का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर। सरफराज खान इंटरनेशनल क्रिकेट करियर। 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के चोटिल होने के कारण सरफराज खान को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया था। दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। 15 फरवरी 2024 को सरफराज ने राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। अपनी पहली पारी में उन्होंने 66 गेंदों पर 62 रन बनाए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए। उनकी इस पारी में 9 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। सरफराज ने सिर्फ 48 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 2017 में श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या के अर्धशतक के साथ पदार्पण पर किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया। सरफराज खान का डेब्यू। सरफराज खान डेब्यू। टेस्ट 5 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में। प्रथम श्रेणी दिसंबर के 28 से 31 2014 को बंगाल के खिलाफ इडेन गार्डन्स में। लिस्ट ए 2 मार्च 2014 को सौराष्ट्र के खिलाफ राजकोट में। आईपीएल 22 अप्रैल 2015 को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। सरफराज खान के रिकॉर्ड्स। सरफराज खान रिकॉर्ड्स लिस्ट। हैरिस शील्ड मैच में 439 रन बनाए और मुंबई के इंटरस्कूल टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर के सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 17 साल की उम्र में आईपीएल खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक 7 बार अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड। सरफराज खान की पसंद और नापसंद। सरफराज खान लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पसंदीदा बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल। पसंदीदा गेंदबाज मिच स्टार्क। पसंदीदा शॉर्ट स्ट्रेट ड्राइव। पसंदीदा खाना। सरफराज खान की शादी। सरफराज खान्स मैरिज। मुंबई के स्टार क्रिकेटर सरफराज खान ने रोमाना जहूर नाम की एक कश्मीरी लड़की से निकाह की है। 6 अगस्त 2023 को शोफिया जिले के पशपोरा गांव में उनकी शादी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरफराज और रोमाना की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दोनों को पहली ही नजर में प्यार हो गया। उन्होंने कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद सरफराज खान के परिवार वाले ने रोमाना के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुँचे। बता दें कि रोमाना दिल्ली से अमनसी की पढ़ाई की है। सरफराज की बहन भी दिल्ली के उसी कॉलेज में पढ़ती थी है। बहन की वजह से ही सरफराज की मुलाकात रोमाना से हुई थी। बाद में सरफराज ने सीधे अपनी बहन से कहा कि उन्हें रोमाना से शादी करनी है, जिसके बाद बात परिवार वालों तक पहुंची और शादी तय हुई। सरफराज की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। सरफराज खान की नेटवर्थ। सरफराज खान नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरफराज खान की कुल संपत्ति लगभग 8 करोड़ रुपए है। 2015 आईपीएल नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सरफराज को 50 लाख रुपए में खरीदा था। 2019 में आरसीबी ने सरफराज को रिलीज किया, जिसके बाद किंग्स इलेवन पंजाब ने उसे 25 लाख रुपए में खरीद लिया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 2022 आईपीएल मेगा ऑक्शन में 20 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा था। सरफराज ने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए वे काफी पैसे कमाए हैं।
सरफराज अपने परिवार के साथ मुंबई में एक सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत की जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरफराज खान की कुल नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए, रणजी वेतन 40,000 प्रतिदिन, विजय हजारे वेतन 25,000 प्रतिदिन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 17,500 प्रति मैच, आईपीएल वेतन 20 लाख रुपए। सरफराज खान कार कलेक्शन। सरफराज खान कार कलेक्शन। सरफराज खान का कार कलेक्शन बहुत छोटा है। उनके पास एक मिड बजट एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर है। इसके अलावा उनके पास मौजूद कारों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरफराज खान से जुड़े विवाद। सरफराज खान कंट्रोवर्सी। गलत उम्र बताने का आरोप। 2011 में सरफराज खान पर एक स्कूल टीम ने अधिक उम्र का होने का आरोप लगाया। टेस्ट से पता चला कि वह 15 वर्ष के हैं, लेकिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में पंजीकृत जन्मतिथि के अनुसार उनकी उम्र 13 वर्ष थी। सरफराज के पिता ने दोबारा उनका टेस्ट कराया, जिसमें उनकी उम्र पंजीकृत जन्मतिथि से मेल खा गई। हालांकि सरफराज इस विवाद से काफी परेशान हुए थे और इससे उनकी भावनात्मक स्थिति खराब हो गई। उन्हें क्रिकेट पर वापस ध्यान देने में 2 से 3 महीने लगे। चयनकर्ताओं को आपत्तिजनक इशारे करना। 2015 में मुंबई को अंडर 19 चैंपियनशिप सेमीफाइनल में जीत दिलाने के बाद सरफराज खान ने चयनकर्ताओं को कुछ आपत्तिजनक इशारे किए थे, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। उनके साथ ही सूर्य कुमार यादव को भी बाहर कर दिया गया था। उनकी 2 साल की मैच फीस भी रोक दी गई थी। हालांकि उनके अच्छे व्यवहार के आश्वासन के बाद उन्हें खेलने दिया गया। सरफराज खान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सरफराज खान। सरफराज खान का जन्म 27 अक्टूबर 1997 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुआ था। सरफराज के पिता नौशाद खान भी अपने समय में क्रिकेट खेला करते थे। वे और उनके भाई मुशीर दोनों को उनके पिता ने प्रशिक्षित किया है। सरफराज तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने हैरिस शील्ड मैच में 421 गेंदों पर 439 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। सरफराज पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 विश्व कप मैच में मैन ऑफ द मैच थे, जहां उन्होंने 74 रन बनाए और 1 विकेट लिया। 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा 50 लाख रुपए में खरीदे जाने के बाद सरफराज आईपीएल में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। सरफराज ने आरसीबी के लिए आईपीएल 2015 के मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर 45 रन बनाए थे। 2012 में 1 महीने के लिए उन्होंने यॉर्कशायर लीग के लिए यूनाइटेड किंगडम में हल क्रिकेट क्लब में खेला था। सरफराज ने रणजी ट्रॉफी 2021 से 22 में 6 मैचों में 122.75 की औसत से 982 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए थे। हमें आशा है कि आपको सरफराज खान का जीवन परिचय, सरफराज खान्स बायोग्राफी इन हिंदी, पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।